दोस्तों, एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं। आज जो इलेक्शन है जींद में 36, यानी कि जो जींद 36 में जिसका वोटर आता है, यानी जो वोट आता है, तो उन लोगों का जो सरकारी कर्मचारी है, किसी भी कॉरपोरेशन, बैंक, कहीं पर भी वो जॉब करता है, तो उसकी हॉलीडे घोषित कर दी गई है चीफ सेक्रेटरी की। 2-3 दिन पहले लेटर आ गया था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो सोचता हूँ आप लोगों को बता दूँ। आप घबराएं नहीं, कहीं भी आपकी जॉब हो, चाहे गुड़गांव में जॉब करते, चाहे पंचकुला में, रोह का वोटर जीन 36 के अंदर आता है तो आपका हॉलीडे है, निसंकोच रहेगा। आपकी सैलरी नहीं कटेगी, ना ही आपको वहाँ पे कैजुअल लीव देना पड़ेगा। आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा मेरा हॉलीडे है, मेरा यहाँ पे इलेक्शन में इलेक्शन है, यानी कि हमने वोट डालना है। तो जीन 36 कोई भी अधिकारी हो, कोई भी ऑफिसर हो, कोई गवर्नमेंट स्कूल, कोई कॉरपोरेशन कंपनी, कुछ भी वहाँ पे आता है शॉप, तो सबका वहाँ पे हॉलीडे है कर्मचारियों का। घबराए नहीं, अपना वोट दीजिए और वोट की चोट ऐसे मारना है जहाँ पे आपको अच्छा लगे। जाति के आधार पर वोट नहीं देना है, वोट देना आपने कि कौन ऐसा है जो विकास करा सके, क्योंकि बहुत सी पार्टियाँ आई हैं यहाँ पे जींद को, आपको देखा होगा, गढ़ माना जाता है इसको, यानी कि हरियाणा का हृदय है, जैसे मानिए जैसे भारत का हृदय MP को माना जाता है, वैसे ही जींद को हरियाणा का हृदय माना जाता है, क्योंकि यहाँ से 250 किलोमीटर चंडीगढ़ पंचकुला, 250 किलोमीटर दिल्ली, और यह बीच में आता है, सभी राज्यों में यहाँ एक केंद्र बिंदु बना हुआ है जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं। तो आपको एक सुझाव देना चाहूँगा, एक तो यह हॉलीडे आप अपना पहले नोट करें, आपका हॉलीडे है 28 जनवरी का वोटर का जो दिन है, तो यहाँ पे वोट की चोट आपने जाति के आधार पे नहीं मारनी है, वहाँ आपने वोट देना है जहाँ आपको अच्छा लगे कि यह पार्टी विकास करा सकती है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए मेरी बात, जाति कोई नहीं होती, सब इंसान होते हैं, ये राजनीति वालों ने ही जाति का बहुत बड़ा फैला रखा है जो अभियान है, तो हम सब इंसान हैं, इंसान बन के जिएगा, ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई जाति है, और अपना हॉलीडे बनाइए, अपना वोट डालिए अच्छे से, और उसका वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि सभी कर्मचारी भाइयों को पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।